ये स्टूडेंट्स, यस बच्चों, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर लेसन थर्ड टॉपिक है अपना वर्ण वो करवा रही हूँ। ओके बेटा, वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण। देखो, जैसे कि आम। अब आम की ध्वनि कैसे होती है? आ म, तो ये मिलकर क्या बनती है? आम। तो कब है क्या हम इन्हें क्या कहेंगे? वर्ण। जो अपने मुख से ध्वनियां निकलती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण को छोटा नहीं किया जा सकता। ओके बेटा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट है आपका स्वर। क्या है? स्वर। एंड सेकंड है आपका व्यंजन। क्या है बेटा? व्यंजन। ओके, अब देखो स्वर कितने होते हैं हिंदी भाषा में? कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ओके बेटा, अब इन्हें काउंट करके देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, 11 है। कितने हो गए? 11 है। ओके बच्चों, देखो हिंदी भाषा में कुल 11 है। इसी तरह लिखा जाता है, द या रह, 11 स्वर होते हैं। यस बेटा, समझ आया? रिपीट अगेन। वर्ण क्या होते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनियां, जो अपने मुख से साउंड निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर एंड व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और ये कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।